साहब ने दौरा किया पेंटोग का उन्होंने अब जिस तरीके से वार्म वेलकम दिया है अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस हैं ऑस्टिन लॉयड उनके साथ उनकी मुलाकात वो उनकी। जमाना गया अब जैसे से इंडिया बढ़ रहा बाहर किसी को खुदा रसूल की कसम इंडिया अमेरिका इसराइल किसी को हमारी नहीं पड़ी हम किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखते हम किसी के लिए खतरा नहीं हम खुद अपने लिए खतरा है जय शंकर साहब इस ट्रूथ और वहां उनकी जमीन पर रह के उन्होंने सच्चाई बोली तो दुनिया की दूसरी कोमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब बाकीों की तरह लोगों से मांगते हैं पाकिस्तान और अमरीका के तल्लुक तो इन दोनों मामालिक को मद्द नज़र रखना चाहिए कि ये एक दूसरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हुए बल्कि नुकसान ही हुआ है दोनों ममालिक्लुक को, को रखकर तो लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते चले आपकी बात मान लेते हैं उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग ये बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने कर दी जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है तो मैं तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा आप समझ जाए कि पैंटा ने जिस तरीके का मतलब गॉड ऑफ ऑनर और उसके साथ जिस तरीके से एस जयशंकर का स्वागत स्वागत किया है आप विश्वास करें आप जाकर पढ़ें अच्छे अच्छों को नहीं मिलता ये अच्छे अच्छों को नहीं मिलता इवन अमेरिका में जो बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स या कई जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनको भी नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका भारत को लेकर कितना सीरियस है और अमेरिका को अभी खरी खोटी सुनाई थी जयशंकर ने वीडियो को लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस हैं ऑस्टिन लॉइड उनके साथ उनकी मुलाकात हुई जयशंकर साहब ने दौरा किया पेंटोगान का उन्होंने तो अब जिस तरीके से वार्म वेलकम दिया है वहाँ पे वो गए और वहाँ ये मुलाकात हुई आ, लेकिन आ, अपने आ, जो कल या परसों उन्होंने वाशिंगटन डीसी में कुछ इंटरेक्शन भी किया कुछ जो इंडियन डाइसपोरा हैं उनसे भी बातचीत हुई हुई और एक दो सवालों के जवाब में दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कहीं पहली बात तो चलिए मैं समझ सकता हूँ एफ़ सिक्सटीन के हवाले से है जो चार सौ पचास मिलियन डॉलर का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एक माहिदा तय पाया है हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलेंगे एफ़ सिक्सटीन के लिए तो जयशंकर का ये कहना था कि हमें मालूम है कि ये जे एफ सिक्सटीन किस लिए इस्तेमाल होते हैं इनका काउंटर टेररिज्म से तो कोई ताल्लुक नहीं है दूसरी बात इससे भी ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्टिंग की उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो इन दोनों ममालिक को मद्द नज़र रखना चाहिए कि ये एक दूसरे के लिए साबित नहीं हुए बल्कि नुकसान ही हुआ है दोनों ममालिक को इन तल्लत को रखकर ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कर दी जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी हम अमरीका से हमेशा रही हैं वो पूरी नहीं हो पाई मिसाल के तौर पर सोवियत यूनियन जब था और अफगानिस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सोवियत ऑकोपेशन के बाद सेवेंटी नाइन से ऑनवर्ड्स तो जब ये सोवियत यूनियन कलेप्स हुआ तो हमारा ख्याल यही था कि अमरीका अब अफगानिस्तान की भी हेल्प करेगा पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाए हैं उनकी भी हमारी मदद भी करेगा लेकिन द वेस्ट लेड बाय द यू एस लेफ्ट पाकिस्तान हाई एंड ड्राई लिटरली हाई एंड ड्राई ये जितना भी सारे मसाइल थे चाहे वो अफगान रेफ्यूजीज़ के हों क्लाशनिक हो कल्चर हो दहशत गर्दी हो ड्रग्स के इशू हों ड्रग ट्रैफिकिंग के तमाम मसाइल पाकिस्तान ने फिर अपने ही वसाइल से उनको डील किया यूनाटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग थी जहां पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे लेकिन देखने में ये आया कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसशन मिली ख़ास तौर पर उनकी फ़ॉरन पॉलिसीज़ को लेकर और कोरोना के दौरान जो उन्होंने वैक्सीन की मैन्यूफेक्चरिंग की उसको लेकर लेकिन पाकिस्तान की आवाम से ये बात करेंगे ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया गया इवन ये भी बातें हुई मुख्तु कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से मुख्तु कंट्रीज के रिप्रेजेंटेट की तरफ से कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी बनाया जाए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग थी वहां पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत अप्रिशिएट किया गया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर आप छोड़ें खुद पाकिस्तानियों ने वहाँ पर एहतजाज किया कि यहाँ पर फ्लड की कंडीशन है और आप वहां पर असेंबली

जब आप कमीने होंगे दूसरों से मांगते होंगे फिर हर आने वाला जाने वाला आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा ये पाकिस्तानी वाम जो है बाईस करोड़ की वाम है यहाँ पांचवी बड़ी कंट्री या पांच चंद लोगों ने इस मुल्क को यहा माल बनाया हुआ है चंद लोगों ने तकरीबन तकरीबन उसमें बैरोक्रेसी किया दूसरे किया कम से कम दो लाख आदमी ने इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं दो लाख भी आप ज्यादा बता रहे हैं दो लाख ले जाए उसमें सरकारी लोग आ जाएंगे उसमें दूसरे आ जाएंगे सियासतदान आ जाएंगे सियासतदान बीस हजार से ऊपर नहीं है पचास हजार से ऊपर नहीं है ठीक है उनके नीचे जो टीम काम करती है उसको मिला लेंगे तो ये दो लाख के करीब चले जाते हैं ठीक है कि नहीं थी थी सबसे पहली बात ये है कि ये लोग गलत नहीं है हम लोग गलत हैं कि इन्हें लाते हैं हम इन्हें लाते, लाते, लाते हैं हम आज एक चीज़ का किसी जगह पे बैठ के कहेंगे ये काम हमने नहीं करना ठीक है वो किसी की मजा ही नहीं है ये काम हो सके ठीक है कि नहीं अब रात को इसी चैनल के ऊपर अकले खुल बैठते हैं आके उनको पता भी होता है कि ये बात गलत है थोड़ा चेंज हो रहा है इसी में आता है वो देखें आपकी पाकट ही नहीं है वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुलक है डेढ़ अरब की वादी का मुलक है एक चीज बनाते हैं डेढ़ अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में उनको। तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है मैं वो ही कहा कि एक चीज बनती है डेढ़ अरब चीजें बिकती है उनके शहर में ठीक है तो दुनिया की दूसरी कोमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं सब कुछ करते हैं इससे बड़ी कौन सी बात है फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई कमी है या फॉरेन पॉलिसीज उस तरीके से नहीं है हमारी जैसे इंडिया की है क्यों अप्रिशिएट उन्हें किया जा रहा है ये नहीं वो उनकी जो है ना लॉबिंग कुछ कहने के ज्यादा स्ट्रांग है और... तो लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते चले आपकी बात मान लेते हैं उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग ठीक है नहीं नहीं वो बाहिर तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा हम लैग कर रहे होंगे मगर ये ये हम, हम ये चीज क्यों, क्यों नहीं हम ये चीज क्यों नहीं? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया पेंटागन क्या है पेंटागन है थल सेना नेवी एयर फोर्स स्पेस फोर्स सबका केंद्र है पेंटागन अमेरिका में और पेंटागन एक बहुत ही मतलब आप समझे स्टैब्लिशमेंट जैसा समझ सकते हो आप अमेरिका की पेंटागन चाहता है भारत के साथ बहुत सीरियस डिफेंस रिलेशनशिप चाहता है और शायद इन फ्यूचर भारत और अमेरिका दोनों मिलकर आर्म्ड से भरे हुए लेस ड्रोन तैयार कर सकते हैं और भारत के साथ डिफेंस को लेकर पाकिस् पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी आपको पता है एफ सिक्सटीन को लेकर जो अभी खरी घोटी सुनाई उसको लेकर भी क्लियर मैसेज दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है अब अमेरिका शायद करे कुछ जो भी है कन्वेंस करने के एस जयशंकर को और भारत के साथ इन फ्यूचर जो डिफेंस डील और डिफेंस के प्रोग्राम है उसको लेकर अमेरिका सीरियस है अब आप बताएं आप क्या सोचते हैं अमेरिका भी चाहता है कि चाइना को किसी तरीके से काउंटर करने के लिए भारत को खड़ा किया जाए इसलिए आप देख रहे हो कि भारत में एप्पल के आईफोन फोर्टीन भी बनना चालू हो गए हैं हालाँकि आईफोन पहले से बन रहे थे बट बहुत सारी चीज़ें अब टैग कंपनीज आ रही हैं जो चाइना से निकल जिनको वैक्यूम क्रिएट हुआ था वो सीधा वैक्यूम फिल हो रहा है भारत के द्वारा जिससे कि भारत का माने न माने बहुत फायदा है भारत के साथ पाक, भारत के साथ जो अमेरिका है वो केवल डिफेंस डील तक सीमित नहीं आए अगर इस तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है टेक कंपनीज आती हैं तो डेफिनेटली भारत को आज से आने वाले 20-25 साल में बहुत फ़ायदा होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी मतलब जॉब्स क्रिएट होंगी तो आप समझ सकते हो बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीज़न है बहुत अच्छा डिसीज़न है हमें अपनी अपना अपना घर या भारत को अपने आप को केवल ऐसा डिफेंस मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहिए जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाना चाहिए तो पेंटागन जिस तरीके से जयशंकर का उन्होंने स्वागत किया है आप समझ जाएं कि यह बहुत बड़ी बात है मतलब अच्छे अच्छों को नहीं मिलता मैं आपको बता चुका हूं पेंटागन ये मतलब आप सोचें कि ये बहुत बड़ी बात है प्लीज